टू माय यूट्यूब चैनल। हमारा आज लेक्चर नंबर 7 है डिफरेंशियल इक्वेशन का। इससे पहले हमने फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन एंड एक सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में वेरिएबल सेपरेशन मेथड पढ़ लिया था इन डिटेल, उसके हमने क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लिए थे। आज का जो हमारा टारगेट है वो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें हम पहले समझेंगे होमोजीनियस इक्वेशन कौन सी होती है, उसके बाद होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सी होती है, एंड उसके बाद कुछ कॉन्सेप्ट देखने के बाद हम अपने क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो आपके एनसीईआरटी में गिवन है। सो सबसे पहले अगर हम होमोजीनियस इक्वेशंस समझें, होमोजीनियस इक्वेशंस, तो हमारा कोई फंक्शन हम लेट कर लेते हैं। लेट हमारा एफ एक्स कॉमा वाई एक फंक्शन है, हमारा एक्स एंड वाई दोनों वेरिएबल में एक फंक्शन है। जैसे हमारा एक सिंगल वेरिएबल में फंक्शन होता है एफ एक्स, तो वैसे दो वेरिएबल में फंक्शन है एफ एक्स एंड एक वाई, दो वेरिएबल है इस फंक्शन में। एंड हमारे फंक्शन की वैल्यू क्या है, हमारे फंक्शन की वैल्यू है वाई स्क्वायर प्लस 2xy। ये हमारा एक फंक्शन है जिसमें x वेरिएबल भी है y वेरिएबल भी है, एंड इसको हमने fx, y से डिनोट करा है। ठीक, दो वेरिएबल के फंक्शन को ऐसे ही डिनोट किया जाता है। आप आगे भी कॉलेज में जाओगे आपको इस टाइप के फंक्शन मिलेंगे अपनी बुक में। आपका मैथ्स 1 मैथ्स 2 आएगा, उसमें आपका मैथ्स 1 मैथ्स 2 आपके सब्जेक्ट होते हैं, उसमें आपको ये वेरिएबल्स देखने को मिलेंगे। खैर, ये आपकी एक जनरल इक्वेशन है जिसमें x वेरिएबल भी है y वेरिएबल भी है। नाउ अगर मैं x की जगह लैम्डा x रख दूं, अगर मैं x की जगह लैम्डा x रख दूं एंड y की जगह एक लैम्डा y रख दूं, समझ रहे हो क्या करना है। x की जगह लैम्डा x, y की जगह लैम्डा y, लैम्डा इज नॉन जीरो कांस्टेंट। लैम्डा हमारा एक नॉन जीरो कांस्टेंट है, जीरो नहीं है वो, कोई और नंबर है, नॉन जीरो कांस्टेंट है, इन शॉर्ट आपका कांस्टेंट है एंड वो जीरो नहीं है। ठीक, तो इस पूरे फंक्शन में मैं एक्स की जगह लैम्डा एक्स एंड वाई की जगह लैम्डा वाई रखता हूं, तो मेरा फंक्शन क्या होगा एफ। अब एक्स की जगह लैम्डा एक्स रखना है तो क्या आ जाएगा, लैम्डा एक्स कॉमा वाई की जगह लैम्डा वाई, तो लैम्डा वाई लैम्डा वाई, सॉरी यहां पे आएगा लैम्डा वाई। ठीक, लैम्डा एक्स एंड लैम्डा वाई इज इक्वल्स टू, अब y की जगह नॉर्मल y में लैम्डा y रखना है ये वाला, तो लैम्डा y का होल स्क्वायर प्लस 2 x की जगह लैम्डा x एंड y की जगह लैम्डा y। इसको थोड़ा सा अगर मैं और सॉल्व करूं तो यहां से मेरा लैम्डा स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा इंटू लैम्डा इज लैम्डा स्क्वायर एंड x इंटू y। ठीक, अगर मैं इसमें से लैम्डा स्क्वायर इधर एंड लैम्डा स्क्वायर इधर से कॉमन निकाल लूं तो मेरा क्या हो गया, लैम्डा स्क्वायर एंड ब्रैकेट में वाई स्क्वायर प्लस 2xy। ठीक, अब वाई स्क्वायर प्लस 2xy एंड वाई स्क्वायर प्लस 2xy, तो मैं वाई स्क्वायर प्लस 2xy की जगह एफ एक्स कॉमा वाई रख सकता हूं, बिल्कुल रख सकता हूं, क्योंकि ये दोनों चीजें आपस में हमने इक्वल ली थी स्टार्टिंग में। ठीक, तो मैंने लैम्डा स्क्वायर एज इट इज रख दिया एंड मैंने यहां पे लिख दिया एफ एक्स कॉमा वाई। ठीक, एंड हमारा इधर था एफ लैम्डा एक्स कॉमा लैम्डा वाई। ठीक, ये आपकी जो फाइनल इक्वेशन आई है इससे एक चीज कंक्लूड होती है, वो चीज क्या कंक्लूड होती है उसके बारे में डिस्कस करेंगे अभी, बट उससे पहले हम एक फंक्शन और देख लेते हैं। कैसा फंक्शन, देखो आपका एक फंक्शन लेते हैं हम एफ एक्स कॉमा वाई, या फिर यहां पे हम f की जगह दूसरा फंक्शन लेते हैं जी एक्स कॉमा वाई। ये और वो अलग चीजें हैं, ध्यान देना। हम होमोजीनियस समझना चाहते हैं कि होमोजीनियस इक्वेशंस क्या होती हैं, इसको हम समझना चाहते हैं, इसलिए हम दो अलग अलग केस ले रहे हैं। हमने एक एफ एक्स कॉमा वाई लिया, x की जगह लैम्डा x, y की जगह लैम्डा y। अब हमने एक फंक्शन लिया जी एक्स कॉमा वाई, इसकी हमने वैल्यू ली लेट से 2x प्लस वाई अपॉन एक्स मल्टीप्लाइड बाय वाई, 2x plus y and यहाँ पे x into y। ठीक, तो अगर मैं यहाँ पे फिर से यही स्टेप्स फॉलो करूं, लैम्डा x रख दूं x की जगह एंड लैम्डा y रख दूं y की जगह, मतलब x एंड y को मैं चेंज कर रहा हूं लैम्डा x एंड लैम्डा y में, x की जगह ये एंड y की जगह ये, तो मेरा यहाँ पे फंक्शन क्या हो गया, g लैम्डा x कॉमा लैम्डा y इक्वल्स टू 2 लैम्डा x प्लस लैम्डा y अपॉन लैम्डा इसका एंड लैम्डा इसका हो गया लैम्डा स्क्वायर एंड यहां पे एक्स इंटू वाई। ठीक,
इक्वल्स टू, अगर मैं लैम्डा ऊपर से कॉमन निकालूं, मतलब कि 2 लैम्डा एंड यहाँ पे सॉरी यहाँ पे लैम्डा बाहर आ जाएगा, लैम्डा 2 के साथ नहीं आएगा, लैम्डा बाहर, अंदर बचेगा आपका 2x प्लस वाई अपॉन लैम्डा स्क्वायर x इंटू वाई। लैम्डा से लैम्डा हो गया कैंसिल, लैम्डा से लैम्डा हो गया कैंसिल, ठीक। एंड ये आपका g लैम्डा x कॉमा लैम्डा वाई इधर चल रहा है, ठीक। इधर से मैं थोड़ा सा स्पेस के लिए ये वाली स्पेस में यूज कर सकता हूं, ठीक। यहां से अब हम यहां पे चल रहे हैं, कंटिन्यू करेंगे। तो अगर इसको मैं थोड़ा और सिंप्लीफाई करके लिखना चाहूं तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, जी लैम्डा एक्स कॉमा लैम्डा वाई इक्वल्स टू वन अपॉन लैम्डा, बचा इस लैम्डा को मैं ऊपर ले जाता हूं, लैम्डा रेज टू द पावर माइनस वन, ठीक। टू एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स इंटू वाई, ठीक। हमने ये एग्जाम्पल एंड ये एग्जाम्पल देखा, यहां पे अगर मैं अब इसकी वैल्यू रखना चाहूं यहां से, तो मैं जी एक्स कॉमा वाई रख सकता हूं बहुत इजीली, ठीक। ब्लैक वाला तो फिर भी कॉम्प्लिकेटेड हो गया क्योंकि इसकी पावर माइनस में आ गई है अब, बट इसको अगर हम समझें तो हमने एक्स की जगह लैम्डा एक्स रखा एंड वाई की जगह लैम्डा वाई रखा, तो हम एट द एंड हम एफ एक्स कॉमा वाई पे पहुंच चुके हैं, हमने लैम्डा वाली जितनी भी टर्म्स थी वो बाहर निकाल ली है, लैम्डा वाली जितनी भी टर्म्स हैं वो बाहर निकल चुकी हैं। सो यहां से हम एक चीज कंक्लूड करते हैं, यहां से मैं ये चीज रब कर देता हूं, आई थिंक अब इसकी जरूरत नहीं है, ठीक। यहां से ये चीज रब करी तो मैं क्या कंक्लूड करता हूं, ब्लू वाले को देखो पहले, एफ एक्स कॉमा वाई इज अ होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री, इसकी एक डिग्री होती है ऑफ डिग्री टू, इसकी डिग्री क्या है, डिग्री है इसकी टू। एफ एक्स कॉमा वाई इज अ होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री टू। सिमिलरली अगर मैं जी के लिए लिखना चाहूं, यहां से मैं ये चीज रब करता हूं एंड मैं ब्लैक से यहां पे लिखता हूं कि जी एक्स कॉमा वाई इज होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री माइनस वन। वैसे आपके सिलेबस में ये सब चीजें नहीं है, बट आपको एक्सप्लेन करने के लिए ये चीज मैंने लिखी है अभी, ठीक। फॉर नाउ आपको इधर ध्यान देना है यहां पे कि एफ एक्स कॉमा वाई इज अ होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री टू। अब एक होमोजीनियस फंक्शन की डेफिनेशन पे चलते हैं, इधर से मैं ये चीज रब करता हूं। होमोजीनियस फंक्शन की डेफिनेशन कुछ ऐसी है, आप अगर लिखना चाहो तो आप उसको नोट डाउन कर सकते हो, ऑल्दो आपको काम आएंगे आगे। अ फंक्शन, इसकी डेफिनेशन क्या है, अ फंक्शन एफ एक्स कॉमा वाई, आपका कुछ भी फंक्शन हो सकता है, जैसे यहां पे हमने एफ एक्स कॉमा वाई लिया, अ फंक्शन एफ एक्स कॉमा वाई इज सेड टू बी अ होमोजीनियस फंक्शन होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री एन इफ एफ लैम्डा एक्स कॉमा लैम्डा वाई इक्वल्स टू लैम्डा रेज टू द पावर एन एफ एक्स कॉमा वाई, लैम्डा नॉन जीरो कॉन्स्टेंट, ठीक। ये है आपकी होमोजीनियस फंक्शन की डेफिनेशन। आपका अगर कोई फंक्शन इस तरह से रिप्रेजेंट किया जा सकता है उसको, तो वो फंक्शन आपका होमोजीनियस फंक्शन कहलाएगा, एंड जो यहाँ पे पावर होगी एन वो आपकी होगी डिग्री, ठीक। यहाँ पे ये डिग्री आपकी लोवेस्ट टर्म होना चाहिए, मतलब अगर मैं यहाँ पे लैम्डा की जगह लैम्डा स्क्वायर भी रखता तो यहाँ पे लैम्डा रेज टू द पावर फोर आ जाता, तो हमारा फोर लीस्ट नहीं है, हमारा टू लीस्ट है यहाँ पे, ठीक। तो वो चीज आपको समझनी है। तो हमारा फंक्शन एफ एक्स कॉमा वाई इज सेट टू बी होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री एन इफ इट कैन बी रिप्रेजेंटेड लाइक दिस। अगर मैं एक्स की जगह लैम्डा एक्स रखूं एंड मैं वाई की जगह लैम्डा वाई रखूं एंड उसके बाद मैं कुछ कैलकुलेशन करके लैम्डा वाली टर्म्स बाहर लेके आऊं, जैसे मैंने यहाँ पे लैम्डा वाली टर्म्स बाहर लेके आया, लैम्डा स्क्वायर इधर से आया, लैम्डा स्क्वायर इधर से आया, एंड मेरा इस साइड क्या बच गया, लैम्डा की पावर समथिंग मैं बाहर ले आया एंड जो यहाँ पे टर्म्स बची वो मेरा स्टार्टिंग में जो मैंने फंक्शन लिया था वही बन गया, मतलब
जहां से मैंने स्टार्ट किया था वही फंक्शन मेरे को मिल जाए एंड लैम्डा वाली टर्म्स उसके साथ मल्टीप्लाई में हो, तो वो फंक्शन सबसे पहली बात तो होमोजीनियस फंक्शन होगा एंड लैम्डा की जो भी पावर होगी वो आपकी होगी उस फंक्शन, मतलब उस होमोजीनियस जो फंक्शन है उसकी डिग्री, उतने डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन होगा। इसके अगर हम कुछ और एग्जांपल्स देखें, एक तरीका होमोजीनियस फंक्शन देखने का ये है कि x की जगह लैम्डा x रखो एंड y की जगह लैम्डा y रखो। एक और तरीका है x रेज टू द पावर n g y अपॉन x, उस पे भी अभी आएंगे बट सबसे पहले आपको ये चीज क्लियर हो जानी चाहिए। ठीक, उससे पहले हम एक फंक्शन लेते हैं एफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल्स टू, एफ एक्स कॉमा वाई इक्वल्स टू कौन सा फंक्शन ले हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स वाई का होल स्क्वायर। ये हमने एक फंक्शन लिया है ठीक, जिसमें आपका एक्स की भी टर्म्स है वाई की भी टर्म्स है एंड दो वेरिएबल में आपका एक फंक्शन बना हुआ है। ठीक, अब सिंस होमोजेनिटी चेक करनी है मेरे को, तो मैं x की जगह क्या रखूंगा, x की जगह मैं रखूंगा लैम्डा x, y की जगह मैं पुट करूंगा लैम्डा y, वही आपका लैम्डा नॉन जीरो कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक, तो f x की जगह रखा लैम्डा x, y की जगह रखा लैम्डा y इज इक्वल्स टू x की जगह लैम्डा x का होल स्क्वायर प्लस y की जगह लैम्डा y का होल स्क्वायर अपॉन लैम्डा x, x की जगह पुट करा y की जगह लैम्डा y एंड इस पूरे का एक बार स्क्वायर कर लिया। ठीक, अब अगर मैं इसको थोड़ा और अच्छे वे में लिखूं, मतलब लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन लैम्डा स्क्वायर, या फिर एक काम करते हैं यहां से स्क्वायर हम निकाल देते हैं ताकि आपको चीजें अच्छे से समझ में आए। यहां से हमने स्क्वायर हटा दिया, आपका जो डिनोमिनेटर है उसकी जो मैक्सिमम पावर है वो है वन, यहाँ पे वन है पावर। ठीक, यहां से हमने स्क्वायर हटा दिया तो हमारा लैम्डा स्क्वायर एक्स इंटू वाई। ठीक, उसके बाद हमने क्या करा, लैम्डा स्क्वायर ऊपर से देखो यहाँ पे एंड यहाँ पे दिख रहा है हमें, तो हम कॉमन ले सकते हैं, हमने लैम्डा स्क्वायर लिया कॉमन, ब्रैकेट में क्या बचा हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन लैम्डा स्क्वायर एंड एक्स मल्टीप्लाइड बाय वाई। ठीक, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, लैम्डा रेज टू द पावर जीरो, लैम्डा रेज टू द पावर जीरो, डिनोमिनेटर को ऊपर ले जाओगे इसकी पावर नेगेटिव टू, 2 माइनस 2 यहां पे हो गया 0, उसके बाद आपका क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स मल्टीप्लाइड बाय वाई एंड लैम्डा रेस टू द पावर 0। इसकी जगह क्या मैं एफ एक्स कॉमा वाई लिख सकता हूं, क्यों, क्योंकि इसकी वैल्यू एंड इसकी वैल्यू इक्वल है, तो मैं इस पूरे की जगह लिख दूंगा एफ एक्स कॉमा वाई एंड यहां पे हमारा LHS में क्या चल रहा था, लैम्डा एक्स कॉमा लैम्डा वाई। ठीक, तो अगर मैं x की जगह लैम्डा x रखूं, y की जगह लैम्डा y रखूं, तो मेरे को वही फंक्शन दोबारा से मिल गया एंड साथ में लैम्डा की पावर समथिंग है, यहां पे जीरो है। ठीक, तो ये जो है हमारा होमोजीनियस फंक्शन है, ये हमारा होमोजीनियस फंक्शन है। ठीक, ये वेरीफाई हो गया, अब इसकी डिग्री क्या होगी, इसकी डिग्री होगी जीरो, इसकी डिग्री होगी जीरो। ये चीज आपको इंजीनियरिंग में काफी ज्यादा हेल्पफुल होगी, आपको कई क्वेश्चन करने पड़ेंगे इसकी हेल्प से, जब आप टेलर्स थ्योरम मैकलोरिन थ्योरम ये आपके नए कॉन्सेप्ट आएंगे। ठीक, तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए, होमोजीनियस फंक्शन क्या होते हैं, डिग्री आपकी जीरो है इसके, इसमें डिग्री वन कब होगी, टू कब होगी, तो वो चीज आपको अगर यहाँ पे समझ में आ गई तो वहां पे आपको इजी हो जाएगा, प्लस जो आप होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ने वाले हो उसमें भी हेल्पफुल है। So, ये हमारा होमोजीनियस फंक्शन है, कैसे वेरीफाई करना है, एक्स की जगह लैम्डा एक्स, वाई की जगह लैम्डा वाई, कुछ चीजें कॉमन निकालो, अगर आपका लैम्डा पूरा बाहर आ जाता है एंड आपका फंक्शन वही मिल जाता है, मतलब एफ एक्स कॉमा वाई वही से दोबारा फंक्शन मिल गया आपको, तो वो फंक्शन सबसे पहले तो आपका होमोजीनियस फंक्शन होगा, उसके बाद उसकी डिग्री क्या होगी, जो भी लैम्डा की पावर बचेगी, जो उसकी पावर है वो हो जाएगी डिग्री। ठीक, तो अब डिग्री जीरो भी पॉसिबल है, ये चीज ध्यान रखना कि डिग्री जीरो पॉसिबल है, ये होमोजीनियस फंक्शन है एंड डिग्री इसकी जीरो है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपके हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते, वो डिपेंड करता है कि वो फंक्शन कैसा है, जैसे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, अगर आप एक्स की जगह लैम्डा एक्स वाई की जगह लैम्डा वाई रखते हो, जैसे आपका कोई फंक्शन है साइन एक्स प्लस कॉस वाई,
आप क्या करोगे, एक्स की जगह लैम्डा एक्स रखना है एंड वाई की जगह आपको लैम्डा वाई रखना है। तो आपने क्या कर दिया इसको, साइन लैम्डा एक्स प्लस कॉस लैम्डा वाई। अब आप इसके आगे कुछ कर ही नहीं सकते, आप लैम्डा बाहर नहीं ला सकते क्योंकि लैम्डा एक एंगल है, मल्टीप्लाई थोड़ी हो रहा है यहाँ पे एंड यहाँ पे, लैम्डा एक एंगल है, एंगल साइन के साथ अलग जाता है कॉस के साथ अलग जाता है, आप यहाँ से कॉमन नहीं निकाल सकते। तो ये आपका होमोजीनियस फंक्शन नहीं है एंड सिंस होमोजीनियस फंक्शन नहीं है तो यहाँ पे डिग्री की कोई बात होगी ही नहीं। ठीक, अगर यहाँ पे यही फंक्शन हो जाता इस फंक्शन में थोड़ा सा ये चेंज हो जाता कि यहाँ पे हम एंगल में एक्स अपॉन वाई एंड वाई अपॉन एक्स ऐसे हो जाता, तब हो जाता ये आपका क्या कहते हैं होमोजीनियस फंक्शन। एक्स की जगह लैम्डा एक्स, वाई की जगह लैम्डा वाई प्लस कॉस वाई की जगह लैम्डा वाई अपॉन एक्स की जगह लैम्डा एक्स, लैम्डा से लैम्डा कैंसिल, लैम्डा से लैम्डा कैंसिल, साइन एक्स अपॉन वाई कॉस एक्स कॉस वाई अपॉन एक्स। आपको यहां से स्टार्ट कर आपको दोबारा से वही चीज मिल गई। तो ये आपका होमोजीनियस फंक्शन होगा, इसकी डिग्री आपकी होगी जीरो, इसकी डिग्री होगी आपकी जीरो। कैसे, क्योंकि यहाँ पे बाहर आपका लैम्डा रेज़ टू द पावर जीरो है। ठीक, तो ये चीज आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गई। अब इसका दूसरा रिप्रेजेंटेशन क्या है, हमने जो चीज स्टार्टिंग में लेट करी थी, हमारा कौन सा फंक्शन था एफ एक्स कॉमा वाई, हमने स्टार्टिंग में एक फंक्शन लिया था वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई, वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई। अब इसको हम एक तरीके से और रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मतलब दो तरीके हैं होमोजीनियस फंक्शन चेक करने के कि वो फंक्शन आपका होमोजीनियस है या फिर नहीं है। हमने चेक कर लिया था कि ये होमोजीनियस फंक्शन है, इसकी डिग्री आपकी टू है, ये होमोजीनियस फंक्शन है ये वाला फंक्शन एंड इसकी डिग्री टू है फर्स्ट वाले मेथड से। ठीक, एक्स की जगह लैम्डा एक्स, वाई की जगह लैम्डा वाई। ठीक, अब इसको हम दूसरे मेथड से करके देखते हैं। क्या दूसरा मेथड है, दूसरे मेथड में आपको इसमें ही कुछ कुछ चेंजेस करने हैं। इसमें अगर मैं एक्स स्क्वायर कॉमन ले लूं, एक्स स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा मेरे पास ब्रैकेट में, वाई अपॉन एक्स का होल स्क्वायर प्लस टू वाई अपॉन एक्स। मैंने एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया है, एक्स स्क्वायर कॉमन लेते ही इसमें एक्स स्क्वायर कोई टर्म है ही नहीं एक्स की, तो एक्स स्क्वायर आगे डिवाइड में, अब इसका भी स्क्वायर एंड डिनोमिनेटर का भी स्क्वायर, तो मैंने होल का स्क्वायर ले लिया। ठीक, एक एक्स दूसरे एक्स से कैंसिल आउट वाई अपॉन एक्स, इसको मैं एक तरीके से और लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर एंड इसको हम मान लेते हैं कि ये कोई फंक्शन है हमारा जी वाई अपॉन एक्स। ये वाई अपॉन एक्स में एक फंक्शन है, मतलब वाई एक वेरिएबल, एक्स एक वेरिएबल एंड वाई अपॉन एक, वाई अपॉन एक्स एक रिलेशन है, तो वाई अपॉन एक्स में ये एक रिलेशन है। ठीक, एंड ये हमारा है एफ एक्स कॉमा वाई। ठीक, इसको अगर मैं वाई स्क्वायर कॉमन लू इसमें से इक्वल्स टू वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई था। ठीक, अगर मैं इसमें से वाई स्क्वायर कॉमन ले लूं तो अंदर क्या बचेगा, वन प्लस टू एक्स अपॉन वाई, वन प्लस टू एक्स अपॉन वाई। मैंने वाई कॉमन ले लिया, इसमें से वाई स्क्वायर कॉमन जाते ही यहां पे बच गया वन, इसमें से वाई स्क्वायर कॉमन जाते ही एक वाई से दूसरा वाई कैंसिल एंड नीचे आपका एक वाई बच गया। तो इसको भी मैं एक तरीके से लिख सकता हूं, यहां पे मैं एच फंक्शन ले लेता हूं एक्स अपॉन वाई, कि एक्स अपॉन वाई में आपको कोई फंक्शन है, ये पर्टिकुलरली ये वाला जो आपका फंक्शन है ये एक्स अपॉन वाई वेरिएबल में है, जहां पे वन आपका कॉन्स्टेंट है, टू कॉन्स्टेंट है, एक्स अपॉन वाई एक वेरिएबल है। सिमिलरली यहां पे वाई अपॉन एक्स एक वेरिएबल, वाई अपॉन एक्स एक वेरिएबल, इसका स्क्वायर टू यहां पे कॉन्स्टेंट। ठीक, यहां तक चीजें समझ में आई कि यहां पे मैंने एक्स स्क्वायर कॉमन लिया, यहां पे मैंने वाई स्क्वायर कॉमन लिया। इसके बाद अब हम देखते हैं डेफिनेशन ऑफ फंक्शन। अब हम ये दूसरी डेफिनेशन की बात कर रहे हैं, लैम्डा एक्स एंड लैम्डा वाई वाली डेफिनेशन, पिछली वाली जो थी वो थी फर्स्ट डेफिनेशन, ये सेकंड डेफिनेशन। एफ एक्स कॉमा वाई इज होमोजेनियस फंक्शन, होमोजेनियस फंक्शन इफ एफ एक्स कॉमा वाई होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री एन, ऑफ डिग्री एन इफ, फंक्शन एफ एक्स कॉमा वाई इज अ होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री एन इफ, डिग्री यहां पे एन की बात हो रही है, अब देखना एन कहां पे आएगा, एक्स रेज टू द पावर एन जी वाई अपॉन एक्स और वाई रेज टू द पावर एन जी, यहां पे जी की जगह मैं एच ले लेता हूं, एच वाई अपॉन एक्स। ठीक, ये आपकी डेफिनेशन है, सेकंड डेफिनेशन।
या तो आपकी x की पावर में समथिंग हो एंड आपका g y अपॉन x में हो। ध्यान रखना अगर x की पावर में तो y अपॉन x एंड यहाँ पे x अपॉन y आएगा आपका, अगर y की पावर में है तो यहाँ पे आपका x अपॉन y आना चाहिए, x अपॉन y ब्लू से लिख देता हूँ ताकि ज्यादा हाईलाइट हो आपको। ठीक, अगर x की पावर में निकाला है हमने तो हमारा y अपॉन x, अगर y की पावर में निकाला है तो x अपॉन y उल्टा चलेगा। ठीक, x की पावर अगर हमने बाहर निकाली है तो y अपॉन x, y की पावर बाहर निकाली है तो x अपॉन y। ठीक, अब देखो ये होमोजेनियस इक्वेशन अगर इस तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या तो इस तरीके से या इस तरीके से या फिर दोनों तरीके से। अब देखो ये एंड ये सेम है, मैंने यहाँ पे x स्क्वायर कॉमन निकाला तो मेरा y अपॉन x वेरिएबल में बना, x की पावर में निकाला तो y अपॉन x बनेगा, y स्क्वायर कॉमन निकाला तो x अपॉन y वेरिएबल में बना, x अपॉन y में बना है मेरा, तो अगर y की पावर में निकाला तो x अपॉन y में बनना है। ठीक, उसके बाद ये तो हो गया कि हमने इस फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट कर लिया तो ये हमारी होमोजीनियस इक्वेशन होगी। अब इसकी डिग्री की बात, इसकी डिग्री क्या है n, एंड n का है n इसकी पावर में या फिर इसकी पावर में, x रेस टू द पावर n, इस केस में x की पावर है 2 एंड इस केस में भी आप देखो तो पावर है 2, तो आप कुछ भी कर लो, चाहे इस फॉर्म में करो चाहे इस फॉर्म में या फिर लैम्डा के फॉर्म में चले जाओ, आपको डिग्री 2 मिल रही है एंड वो आपकी होमोजीनियस इक्वेशन है, तो आप किसी भी तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो। ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए एकदम, अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है तो आप रिवाइंड करके देख सकते हो। ठीक, वाई यहाँ पे हमने एक्स स्क्वायर कॉमन लिया, वाई स्क्वायर कॉमन लिया, खैर इतने ज्यादा आपके क्वेश्चन नहीं आएंगे बट यही बेस है, आप यहाँ से बेस बनता चलेगा तभी हम होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन समझ पाएंगे। खैर ये था आपका होमोजीनियस इक्वेशन की क्या होती है, कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। अब चलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन थोड़ा सा इन्वॉल्व करते हैं, इसमें आपका एक भी डिफरेंशियल इक्वेशन का टर्म नहीं है, आपका डेरिवेटिव कहीं भी इन्वॉल्व नहीं हुआ है, ये आपकी सिंपल नॉर्मल इक्वेशन चल रही है दो वेरिएबल में। अब थोड़ा सा अब हम डिफरेंशियल इक्वेशन की तरफ मूव करते हैं, सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हमारा टॉपिक डला हुआ है। अ डिफरेंशियल इक्वेशन, और डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सी, dy by dx equals to f x comma y, हमने डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या देखा था, एक डेरिवेटिव का टर्म, एक x एंड y में आपको कुछ वेरिएबल हो सकता है कांस्टेंट हो सकता है, तो उसको हमने कंबाइन करके एफ एक्स कॉमा y लिख दिया कि दो वेरिएबल में फंक्शन है। और डिफरेंशियल इक्वेशन dy by dx equals to f x comma y is homogeneous differential equation if f x comma y is a homogeneous function of degree 0। ठीक, अगर आपकी कोई डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, dy by dx की टर्म्स हो सकती है, आपका dy by dx की जगह dx by dy भी हो सकता है, उल्टा भी हो सकता है, क्या पता x आपका डिपेंडेंट वेरिएबल हो एंड y आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, तो उस केस में आपका dx by dy हो जाएगा। ठीक, एंड x एंड y में आपका कोई फंक्शन भी हो सकता है यहाँ पे, वो आपका डिफरेंशियल, वो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन मानी जाएगी, इस टाइप की इक्वेशन आपकी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन मानी जाएगी। कब, जब जो आपका ये जो फंक्शन है वो आपका होमोजीनियस फंक्शन हो एंड उसकी डिग्री जीरो हो, तो इसमें दो बात है कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन तब होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन मानी जाएगी जब जो उसका फंक्शन है वो होमोजीनियस फंक्शन हो, पहली बात, दूसरी बात उसकी डिग्री जीरो होनी चाहिए, पहली बात तो ये कि होमोजीनियस फंक्शन हो, दूसरी बात डिग्री जीरो। ठीक, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जिसकी आपकी डिग्री जीरो आने वाली है, तो सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं हम, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू एक्स कॉस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स। ठीक, ये आपका एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, आपका डी वाई बाई डी एक्स डेरिवेटिव का टर्म है एंड आपका एक फंक्शन है, तो इसमें एफ एक्स कॉमा वाई की वैल्यू क्या हो गई, एफ एक्स कॉमा वाई की वैल्यू क्या हो गई, डी वाई बाई डी एक्स को छोड़ के ये जो फंक्शन है वो है आपका एफ एक्स कॉमा वाई, एक्स कॉस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई अपॉन
एक्स स्क्वायर, एक्स यहाँ पे सिंपल एक्स है, एक्स स्क्वायर नहीं है। अगर मैं एक्स की जगह लैम्डा एक्स रख दूं, एक्स की जगह क्या करना है मुझे लैम्डा एक्स एंड वाई की जगह लैम्डा वाई, तब क्या होता है देखो, तब मेरा क्या हो जाएगा एक्स की जगह लैम्डा एक्स कॉस, अब आप यहाँ पे लैम्डा वाई लैम्डा एक्स रखोगे तो लैम्डा से लैम्डा कैंसिल, तो मैं यहाँ पे वाई अपॉन एक्स ही लिख दे रहा हूँ। ठीक, आपका लैम्डा से लैम्डा हो चुका है कैंसिल, यहाँ पे लैम्डा वो हो चुके हैं कैंसिल आउट, प्लस वाई की जगह दोबारा लिखा लैम्डा वाई अपॉन एक्स की जगह लिखा लैम्डा एक्स। ठीक, अगले स्टेप में क्या करा, ये लैम्डा निकाल दिया मैंने बाहर, अंदर क्या बचा मेरा एक्स कॉस वाई बाय एक्स प्लस वाई अपॉन लैम्डा इंटू एक्स, लैम्डा से हो गया लैम्डा कैंसिल, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ लैम्डा रेस टू द पावर जीरो, लैम्डा की पावर यहाँ पे वन होगी, यहाँ पे वन होगी, ऊपर गया एल वन माइनस वन लैम्डा रेस टू द पावर जीरो। एंड जो ये फंक्शन बचा है ये वाला, ये क्या वही फंक्शन है जहां से स्टार्ट करा था हमने, एफ एक्स कॉमा वाई, यस आपका एफ एक्स कॉमा वाई, तो ये आपका होमोजीनियस फंक्शन है, डिग्री जीरो, यहाँ पे इसकी पावर जो होती है वो होती है डिग्री, तो इसकी डिग्री क्या है जीरो, तो यस ये हमारी एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, ये हमारी एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। क्यों? क्योंकि वो होमोजीनियस, इसका जो फंक्शन है एफ एक्स कॉमा वाई वाला वो होमोजीनियस है, उसका हमने अलग से चेक कर लिया, उसकी डिग्री आपकी जीरो आ रही है। ठीक, तो यहां से हमने कंक्लूड करा कि ये जो हमारी पूरी इक्वेशन है ब्लू से लिखी है जो, वो हमारी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। अब इसको सॉल्व कैसे करना है हमें, तो एट द एंड मतलब है कि ये सॉल्व कर दी जाए बस, कि वाई क्या है, हमें एक ऐसा फंक्शन बताओ y इक्वल्स टू समथिंग, या फिर आपका एक्सप्लिसिट या इम्प्लिसिट फंक्शन कुछ भी हो सकता है, हमें ऐसा फंक्शन बताओ जिसकी हेल्प से ये डिफरेंशियल इक्वेशन में हम पुट करें वैल्यूज एंड ये सॉल्व हो जाए, आपकी सेटिस्फाई हो जाए, तो हमें अब सॉल्व करने से मतलब है, तो इस डेफिनेशन के बेसिस पे ही हम आगे प्रोसीड करेंगे। देखो आपका डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू एफ एक्स कॉमा वाई है। ठीक, इसको हमने मान लिया कि ये एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये एक आपकी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये हमने मान लिया, हम प्रूफ भी कर सकते हैं, हमने अभी देखा हम प्रूफ कर सकते हैं, तो अगर ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन प्रूफ हो गई उसके बाद कैसे प्रोसीड करना है उसके, उस पर देखते हैं हम। तो हमारा अगर डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो इस तरह से होगी, एंड इसकी डिग्री क्या होगी जीरो, तो इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं, अभी जो हमने दूसरा रिप्रेजेंटेशन देखा एक्स रेस टू द पावर जीरो जी वाई अपॉन एक्स, मैं इसको इस तरह से भी तो लिख सकता हूं, या फिर मैं इसको इस तरह से भी तो लिख सकता हूं यहां पे एक्स अपॉन वाई। ठीक, आपका हमने फर्स्ट रिप्रेजेंटेशन ये वाला देखा था लैम्डा एक्स कॉमन लैम्डा वाई वाला, उसके बाद एक्स की पावर कॉमन लाने वाला, एक्स स्क्वायर कॉमन आ गया, एक्स क्यूब बाहर आ गया, एक्स रेस टू द पावर फोर बाहर आ गया, तो डिग्री अगर जीरो हो सकती है तो एक्स रेस टू द पावर जीरो भी बाहर आ सकता है, एंड अगर एक्स रेस टू द पावर जीरो करूं मैं तो समथिंग रेस टू द पावर जीरो इज वन, समथिंग रेस टू द पावर जीरो इज वन। ठीक, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू जी वाई अपॉन एक्स, अब डिग्री जीरो ही रखनी थी तो यहां पर मैंने एक्स रेस टू द पावर जीरो रख दिया था, हमने पहले से ही पता है कि डिग्री जीरो होगी, डिग्री जीरो है तो एक्स रेस टू द पावर जीरो, एंड जो भी अंदर बचा आपका जी वाई अपॉन एक्स कुछ भी हो वो हम उसको मैनेज कर लेंगे अपना। ठीक, जी वाई अपॉन एक्स फंक्शन होगा एंड एक्स रेस टू द पावर जीरो। अब सिंस ये आपकी एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, अब इसमें हम एक चीज यूज करेंगे, हम रखेंगे वाई इज इक्वल्स टू वी एक्स, हम वाई की जगह वी एक्स पुट करेंगे, y की जगह जब वी एक्स पुट करेंगे तो इसको एक बार डिफरेंशिएट भी करना पड़ेगा, आपने इंटीग्रेशन में देखा था कि जब भी कुछ सब्सटीट्यूशन करते हैं तो हमें डिफरेंशिएट करना पड़ता है, क्यों, क्योंकि हम y की जगह dy by dx की वैल्यू भी निकालना चाहते हैं, तो y की जगह हम dy by dx निकालेंगे, तो y इसको पूरे को हम x की रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो y का हो गया dy by dx, अब इसमें आपका प्रोडक्ट रूल लगेगा, v एज इट इज x का हो गया वन, ठीक, प्लस एक्स एज इट इज वी का हो गया डी वी अपॉन डी एक्स, तो हमें डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू पता है एंड वाई की वैल्यू पता है, सिंपल इसमें पुट कर देंगे। ठीक, यहां से मैं थोड़ी सी डेफिनेशन रब कर देता हूं, डेफिनेशन रब हुई, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू ये रही, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या है, वी प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू
किसके बराबर है, जी वाई अपॉन एक्स की। तो जी वाई अपॉन एक्स, यहां से अगर मैं वी की वैल्यू निकालूं तो वाई अपॉन एक्स है, तो यहां पे मैं वाई अपॉन एक्स की जगह वी रख सकता हूं, बिल्कुल। तो जी वी हो गया मेरा, यहाँ पे वाई अपॉन एक्स था, वाई अपॉन एक्स की वैल्यू क्या आ रही है, वी, ठीक। उसके बाद मैंने क्या करा, एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू जी वी माइनस वी, मैं वी को उठा के इस साइड ले आया। उसके बाद यहां से कंटिन्यू करते हैं, डी वी अपॉन डी एक्स की वैल्यू निकालूं अगर, तो एक्स मेरा आ जाएगा इस साइड, मीन्स जी वी माइनस वी अपॉन एक्स। अब आपके लिए काफी इजी हो चुका है, हमने वेरिएबल सेपरेशन मेथड पढ़ रखा है, वी वाला फंक्शन, वी जितने भी वेरिएबल हैं सारे एक साइड आ जाएंगे एलएचएस में, एक्स आपका आ जाएगा आरएचएस में, एंड इंटीग्रेट मार देंगे बस। सो यहां से वी वाले जितने भी टर्म्स हैं वो उठा के एक साइड ले आओ, यहाँ पे डी वी ऑलरेडी है पहले से, ठीक, एंड ये वाला टर्म उठा के हम इस साइड ले आए, वन अपॉन जी वी माइनस वी इक्वल्स टू डी एक्स उठा के हम इस साइड ले गए, डी एक्स यहाँ पे वन अपॉन एक्स ऑलरेडी था। अब देखो v वाले टर्म्स एक साइड हो गए, x वाले टर्म्स एक साइड हो गए, वेरिएबल हमने कर लिया सेपरेट। अब कर देंगे इंटीग्रेट, इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास एक कोई फंक्शन आ जाएगा कैपिटल G जिसमें v होगा, एंड एक हमारे पास फंक्शन आ जाएगा f जिसमें x होगा प्लस c। इसके बाद हम v की जगह क्या पुट कर देंगे, y अपॉन x, हमने जो स्टार्टिंग में लेट करा था कि v की जगह हम y अपॉन x पुट कर देंगे, इक्वल्स टू एफ एक्स प्लस सी। ये हो जाएगा हमारा सॉल्यूशन जो हमने स्टार्टिंग में डिफरेंशियल इक्वेशन ली थी। सो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का बेस बनाने के लिए ये लेक्चर था कि आपको होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन समझ आ जाए, आपको समझ आ जाए कि सॉल्व कैसे कैसे करना है। इसके कुछ क्वेश्चंस भी हैं आपका एग्जाम्पल में भी है, एक्सरसाइज में भी आपका लगभग 15 क्वेश्चन है ही, तो वो चीज हम सॉल्व करेंगे आने वाले जो लेक्चर्स हैं, जो आपका नेक्स्ट लेक्चर है उसमें हम सॉल्व कर रहे होंगे चीजें। बट जो आपका मेन कॉन्सेप्ट था वो बस इतना ही था। अब इसके बाद आपका कभी कभी फंक्शन कब अब बस आपका फंक्शन चेंज होगा, फंक्शन चेंज होने की वजह से यहाँ पे आपको थोड़ा सा इंटीग्रेशन करने का प्रोसेस भी चेंज हो जाएगा। जैसे हो सकता है कभी कभी आपको नॉर्मल इंटीग्रेशन मिल जाए, वन अपॉन कॉस वी एंड यहाँ पे वन अपॉन एक्स, जैसा कि आपके एग्जाम्पल में भी है, ठीक। उसके बाद आपका कभी कभी हो सकता है कि नीचे कोई आपकी लीनियर इक्वेशन बन जाए या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाए, तो आपको फॉर्मूले में जाना पड़े, तो वो चीज आपका बस इंटीग्रेशन का पार्ट बचता है आपका, कि इंटीग्रेट करने का फंक्शन क्या बचेगा आपका लास्ट में। उस तरीके से आपके क्वेश्चंस चेंज होते जाएंगे, बट जो मेन कॉन्सेप्ट था वो इतना ही था कि सबसे पहले आपको होमोजेनियस इक्वेशन बताओ, उसकी डिग्री बताओ, उसके बाद होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, एंड उसके बाद सॉल्व कैसे करते हैं, क्या मेथड होता है, सब्स्टिट्यूट कैसे करते हैं वैल्यूज को। सो कॉन्सेप्ट वाइज तो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन इतना ही है, बट ऐसे नहीं छोड़ने वाले, आपको क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कराए जाएंगे, ठीक। सो क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आपको अगर आज की वीडियो अच्छी लगी एंड कॉन्सेप्ट समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक कर देना एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक ये वीडियो पहुंच पाए। अगर फिर भी कोई क्वेरी रह रही है तो आप नीचे कॉमेंट करके पूछ सकते हो। चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। We'll be right back.